यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी, जिससे 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 28 श्रद्धालु घायल है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के गांव सुनैरा अजमतपुर में भागवत कथा होने जा रही थी, जिसको लेकर 40 से 50 ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से गर्रा नदी में जल भरने जा रहे थे। तभी अचानक बेसियापुर के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गर्रा नदी में पुल की रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई, जिससे श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में बच्चे और महिलाएं सवार थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 28 श्रद्धालु घायल है, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना घायलों का हाल जाने मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घटना की जांच कराई जाएगी। घटना की सूचना पाकर बरेली के आईजी और कमिश्नर भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश किया। वहीं तिलहर विधानसभा से भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा और शाहजहांपुर के सांसद अरुण सागर भी घायलों का हाल लेने जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र की विधायक ने बताया कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें मृतकों के परिजनों और घायलों की आर्थिक मदद की जाएगी। इस दौरान विधायक ने कहा कि अगर किसी भी घायल मरीज को ब्लड की आवश्यकता है तो मैं खुद अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। घायलों का इलाज कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम ने बताया कि घटना बहुत ही दुखद है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई और घायलों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। शासन की तरफ से 2 लाख का मुआवजा जितने भी मृतक हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उनको दिया जाएगा और बाकी जो भी शासन से जो अन्य अनुसार मुआवजा है वो मृतकों को। तो कुछ घायल जो है अभी सीरियस है, कुछ जो है खतरे से बाहर है और उनका इलाज जो है चल रहा है, उनको मैनेज किया जा रहा है कायदे से, और जो और भी सीरियस होंगे उनको मंडल स्तर आवश्यकता पड़ेगी तो बेस्ट चिकित्सा व्यवस्था जो है वो घटना की जाँच करके जो भी है वो कर रहे हैं। 2 लाख रुपए की घोषणा हो चुकी है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जिन लोगों के जो मृतक हैं और 50-50 हज़ार रुपए उन लोगों के लिए कि जो लोग घायल। हाँ, ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, इसका सभी को बहुत दुख है और पता लगा है कि ये लोग जल भरने के लिए आए थे और इस ट्रॉली में बच्चे और महिलाएं ज़्यादा थी, तो अभी भीड़ भाड़ बहुत है, लेकिन अभी ये भी पता लगा है कि 11 लोगों का ऑन स्पॉट ही डेथ हो गया है और हमारा शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है यहाँ पे, सभी सीओ साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब, सभी लोग लगे हुए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री के तहत 2 लाख रुपए की राहत और जो घायल हुए उन लोगों को 50 हज़ार की राहत मिलेगी। बाकी इसके अलावा भी जो जितना जैसी भी किसी को परेशानी होती है वो हमको सूचित करें और जितना भी होगा उनकी परेशानी के लिए उनका क्षेत्रीय विधायक हमेशा खड़ा रहे। ब्लड देखिए, मेरा हॉस्पिटल है तो मैं चाह रही हूँ, मैंने कहती भी हूँ कि अगर ब्लड के घायलों की ज़रूरत हो तो वो हमको बताएं, जितने भी हमसे व्यवस्था होगी मैं ब्लड के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे ब्लड की ज़रूरत है तो मैं अपना भी ब्लड देने के लिए उन लोगों के लिए तैयार हूँ। राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को सहायता प्रदान करें और मुझे जैसे ही जानकारी हुई मैं क्षेत्र में था, उसके बाद मैंने तमाम अधिकारियों को टेलीफोन से घटना के बारे में बताया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी तत्काल मेरी वार्ता हुई, वो भी मौके पर पहुँचने काम किया, लेकिन हमारे सभी अधिकारी, जिलाधिकारी हों, पुलिस अधीक्षक हों, ADG, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर लगातार अभी दो मृतक को लगभग 2 लाख रुपए मुआवजा की देने की घोषणा की गई है। जो घायल गंभीर रूप से उन्हें 50 हज़ार रुपए और जो भी संभव और प्रयास होगा हम लोग करेंगे और लगातार यही बने हुए हैं। अगर कोई ब्लड की भी कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, हमारे मेडिकल कॉलेज में हम लोग कैंप लगाते रहते हैं, जितने युवा पीढ़ी है उसका सबका ब्लड जो है वहाँ पर स्टॉक में भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप लोग साथ